अब एक तो पूरी बोझ डाउन कर दी, अब एक इकलौती व्हीकल वो भी पिकअप ट्रक है, देखते हैं बिकॉज पीछे वाले जो प्लेयर्स हैं बहुत ज्यादा एक्सपोज होते हैं यहाँ पे, सेव करने की कोशिश जरूर थी, एमजे ने थोड़ा बहुत शॉट लिया था, बट जोनाथन नॉक डाउन होंगे यूडू के फ्रेडॉक के द्वारा। आप देखते हैं वाली फाइट किस तरीके, बिकॉज मिड रेंज था, जोनाथन को मिल जाएगा रिवाइव, बट अगर ओवर पुश उन्होंने करा यहाँ पे, अगर हम व्हीकल देख सकते हैं, ये स्लामिन एक रेडी हो चुका है, एक स्प्लिट जा रहा है, दूसरा स्प्लिट भी बगी में जाता हुआ नजर आ रहा है, देखते हैं किस तरीके से इस वाली फाइट को डिले पोजिशन में डालते, बट यही चीज T17 ने गलती करी। अब कंपाउंड्स आप निकले हो ओपन में, आप लोगों की जो टीम है वो फंसी हुई है, राइट से एक फ्लैंक है, लेफ्ट से फ्लैंक है और सामने से बेट प्लेयर्स, तो फिर आपका स्क्वाड किसी भी क्षण में एलिमिनेट होता हुआ नजर आ सकता है। इनफैक्ट T17 के काफी करीबी RRQ के प्लेयर्स मुझे नजर आ रहे हैं उनके ऊपर से, और मेराटो का इस्तेमाल करते हुए मैन बरा का स्प्रे जाता है, देखिए यहाँ पे जी गॉड नॉक हो चुके गिर के, अब यहाँ पे यूडू के प्लेयर्स पुशिंग करने वाले, ग्रेनेड्स भी बहुत जल्दी आ जाने वाले, ड्रैक्स ने देखिए एक अच्छा खासा एंगल बना रखा है, और लेफ्ट हैंड साइड से दो प्लेयर पुश कर रहे हैं, सेंटर से एक प्लेयर पुश कर रहे हैं, राइट से एक हाई ग्राउंड एडवांटेज ले चुके हैं, तो T17 के ये दो प्लेयर्स बहुत ज्यादा कठिनाइयों में फंस चुके हैं। बिल्कुल बेटा, अभी T17 के जोनाथन ऑन सी गॉड को नॉट डाउन कर दिया जाएगा, इसी फ्लैंक की मैं बात कर रहा था, और गोल्डन मिराडो फटी की उसके चलते सी गॉड हो जाएंगे फिनिश, जोनाथन अकेले पुश में जरूर लेट है बट जंप पर उनको करेंगे स्पॉट और फिनिश भी करते हैं, बट बाकी के जो प्लेयर्स है T17 के देखते किस तरह वाली फाइट को निकालेंगे, क्या वो फॉल बैक कर चुके हैं, बिकॉज बाकी का जो स्प्लिट है मेरे को तो RRQ के प्लेयर्स के सामने नजर आ रहा है, बट जंप पर वन ने T17 जोनाथन को फैन करें, अब आप फैन करो बुलेट से मारो, बट आपके पास एक किला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बट अभी 15 मिनट होने वाले इस वाले